आज मेरे साथ है अमिर चंद, तो मैं इनसे जानूंगी कि 5 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में क्या क्या काम किया और इस बार भी क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो कहते हैं केजरीवाल सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने अभी किया क्या है? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। ये देखो, अभी तो आप यहाँ रोड पे खड़े हो, थोड़ा आगे चलोगे खड्डे ही खड्डे मिलेंगे, खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। जो भी है, जो गाड़ी आती है, नई गाड़ी ले आते हैं, 6 महीने में वो खत्म हो जाती है। केजरीवाल कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही भाटी के रहने वाले हैं, पीछे पाकिस्तान से आए हुए हैं। 20 जून 2014 में हम आए हैं। आप 6 साल से रह रहे हैं? 6 साल से रह रहे हैं यहाँ, और किस चीज की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है। क्या कारण था आपका पाकिस्तान से भारत आने का? ये मजबूरियां तो देखो, जैसे साहिबा जी ने और राबेली ने बता दी, यही मजबूरियां। अब बार बार क्या बोले, वही मजबूरियां हैं जो हम सबके साथ हैं, जो सबको पता है। अभी ज्यादा बोलने की क्या व्यवस्था। तो यहाँ पे जब आप आए थे तो आपको लोगों ने कैसा बर्ताव किया था, कैसे व्यवहार किया था लोगों ने आपके साथ, कि आप पाकिस्तान से आए हो? क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान और भारत कभी भी दोस्त नहीं बन सके। हमारे कम्युनिटी के ये लोग हैं, हमारा गांव जो है हमारी कम्युनिटी का है, ओड समाज का है, और ओड समाज ने हमारे साथ बहुत साथ दिया। हमें बैठने की जगह दी, भाई जहाँ झोपड़ी बना के बैठ जाओ। हम तो वहाँ अपना सब कुछ छोड़ के, कारोबार छोड़ के, काम धंधे छोड़ के, मकान छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं। और अब जो बीजेपी सीए और एनआरसी लेके आई है, इसके बारे में? ये तो हमारे लिए इतना हो गया, ऐसे हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा मोदी जी का, अमित शाह का धन्यवाद है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हम जैसे दिल्ली में आए या भाटी मेंस में आए, वहाँ तो हम थे हिंदू, यहाँ थे पाकिस्तानी, यहाँ बोलते हैं हमको पाकिस्तानी। तो अभी जब नागरिक मिलेगी, बाहर घूमने जाएंगे, घूमने भी नहीं देते यहाँ, क्योंकि वीज़ा दिल्ली का है, तो दिल्ली में ही हम रहते थे। अभी तो जब नागरिक मिलने का ये सीए प्रोग्राम बना है, हमारे लिए इतना बना है, इतना अच्छा है कि हम तो भाई जहाँ घूम पाएंगे, दर्शन यात्रा पर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम बिल्कुल खुश हैं, भारत परिवार से साथ खुश हैं, सब खुश हैं, जितने भी हैं। हमारे 7,000 लोग रह रहे यहाँ ओट समाज के, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी। अभी मालिक करेगा, मोदी सरकार आएगी, हमारी सुविधा देगी, हमारा मकान पक्का करेगी, बोल रहे हैं संजय कॉलोनी पक्का करेगी, पक्का अभी तो ऐलान कर दिया उसने, तो हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। शाहीन बाग के जो इतने सारे लोग पिछले 50 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, शाहीन बाग तो हमारे दुश्मन है, जो हमारे हमसे सरासर दुश्मनी कर रहे हैं। अरे भाई, हम किसे छीन तो नहीं ले कुछ, हम तो किससे मांग तो कुछ नहीं रहे। और वो जो 500-700 रुपए जो बिरयानी खिलाई जा रही है, उसके बारे में कौन फंडिंग कर रहा है उसके लिए? तो वो 500 दिहाड़ी मिल रहे, तो उनके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल 500 दिहाड़ी दे रहा है, बिरयानी खिला रहा है, क्या चाहिए उनको बैठे बैठे? मांसाहारी आदमी, मां बुद्धि खराब हो गई। वहाँ जो 500 रुपए लोग बैठे है, तो वो क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे, तो भाई हमारा जो हक है, हम अपने बाल बच्चे, हम सब कुछ, अपना देश, अपनी जन्मभूमि छोड़ के आए, तो किस लिए हमारे ऊपर विरोध कर रहे हैं? हम किसी का कुछ छीन तो नहीं रहे, हम तो शरण आए हैं, सबके शरण आए हैं, यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, तो हमें तो शरण दी चाहिए। और मोदी जी दे रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, हमसे तो दुश्मनी कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।